नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्कूप कपलिंग में हमारा जो आउटपुट साइड में इंस्पेक्शन डोर होता है वहाँ से जो ऑयल का सिपेज होता है उसको कैसे रोकें, उसको कैसे ठीक करें। वो देखिए, वो सामने में जो दिख रहा है हमारा इंस्पेक्शन डोर, उसी का हम लोग अभी अच्छे से सीलिंग करेंगे और उसके अंदर में जो हमारा स्कूप कपलिंग लगा हुआ है उसमें फ्यूजल प्लग कितना पीस लगता है और वो दिखने में कैसा होता है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सारा डिटेल आप लोग को मिलने वाला है। ये देखिए, हमारा भाई अभी जो हमारा इंस्पेक्शन डोर है आउटपुट साइड में उसको खोल रहा है। ये जो इंस्पेक्शन डोर है दोस्तों, ये हमारा स्कूप कपलिंग का आउटपुट साइड में ही रहता है। ये हमारा PHT टाइप स्कूप है, यहाँ से हमारा भी आयल सीपेज हो रहा था। ये देखिएगा, अभी खोलेंगे और हम लोग उसको ठीक भी करेंगे। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पेपर गैस्केट लगता है तो लगता है हमारा पेपर गैस्केट जो है डैमेज हो चुका है, इसलिए हमारा यहाँ से आयल का सीपेज कंटिन्यू हो रहा था। क्योंकि इसके अंदर में आपका जो हमारा स्कूप कपलिंग होता है वो फुल स्पीड में घूमता है तो आयल का प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से आयल हमारा सीपेज हो रहा था। अभी उसी को हम लोग खोल रहे हैं और खोल करके हम लोग अभी ठीक करेंगे। ये देखिएगा, काफ़ी दिनों बाद अचानक से कभी कभी खुलता है दोस्तों ये चीज़ हमारा, तो ये टाइट रहता है। इसके लिए हम लोग को स्क्रू ड्राइवर या कोई भी नुकीला चीज़ की ज़रूरत पड़ता है हल्का सा गैप करने के लिए। ये देखिए, हमारा जो इंस्पेक्शन डोर का कवर है वो तो अभी खुल चुका है। अंदर में आप लोग को जो चमकता हुआ दिख रहा है बड़ा सा, वही हमारा स्कूप कपलिंग है। अभी पहले हम लोग इसके बाहर में जो पुराना हमारा गैस्केट लगा हुआ है या जो भी हमारा एनाबोंड लगा हुआ है उसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। कोई भी नुकीला चीज़ जैसे हमारा चाकू हो गया या फिर हमारा हेक्सा ब्लेड हो गया, हेक्सा फ्रेम का जो ब्लेड होता है वो हो गया, उसके सहायता से हम लोग अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे ताकि हमारा इस बार फिर से हम लोग गैस्केट या कोई भी चीज़ डालें तो लीकेज ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्कूप कपलिंग का मैनुअल हैंडल होता है, यहाँ से आप बाहर कर लेंगे और मैनुअल कंडीशन में आप स्कूप का जो पिस्टन होता है उसको इन और आउट करके देख सकते हैं कि हमारा पिस्टन अच्छे से स्मूथली उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। ये देखिए, अभी मैं देखिएगा इसको उठा रहा हूँ, ये सामने अंदर में आप लोग को दिखेगा धीरे धीरे हमारा जो पिस्टन है वो आप लोग को ऊपर आता दिखेगा। देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ से हमारा भाई जो है व्हील को घुमा रहा है तो धीरे धीरे हमारा ये पिस्टन जो है ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब हमारा जो स्कूप है वो अभी आउट हो रहा है। ये देखिए, एकदम स्मूथली बाहर आ रहा है। ये हमारा दो पिस्टन होता है दोस्तों, देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, ये इन रहेगा दोस्तों तो हमारा आउटपुट में कमान नहीं जाएगा, आयल का फ्लो हमारा रुक जाता है और हमारा आउट रहेगा तब जाकर ही आपका स्कूप आउटपुट में कमान जाएगा और आपका जो बेल्ट है, कन्वेयर, जो भी चीज़ें हो चल पाएगा। अभी देखिए, हम लोग फिर से इसको बैठा दे रहे हैं, ये सिर्फ मैं आप लोग को दिखाने के लिए इसको पिस्टन को उठाया था दोस्तों। अंदर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट अंदर का व्यू आप लोग के सामने शेयर करना चाहता था, आप लोग को दिखाना चाहता था। देखिए, फिर से हमारा पिस्टन अंदर में बैठ गया है, अभी स्कूप हमारा इन हो गया है। अभी इसमें हम लोग चारों तरफ से अच्छे से एनाबोंड अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास पेपर गैस्केट नहीं है तो ये भी हमारा गैस्केट मेकर का ही काम करता है, जो हमारा 666 होता है, जो हमारा एनाबोंड होता है वो, तो इसको अच्छे से हम लोग अप्लाई करके बढ़िया से बराबर बैठा के फ्लांज को बराबर बराबर अच्छे से सभी बोल्टों को टाइट कर देंगे, जिससे भी हमारा जो आयल का सीपेज है वो रुक जाएगा।
चलिए दोस्तों, अभी अंदर में हमारा जो विजुअल प्लग होता है वो कैसे होता है, दिखने में कैसे दिखता है, उसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, जो छोटा सा आप लोग के सामने दिख रहा है वही हमारा विजुअल प्लग होता है। अभी इसको जूम करके आप लोग को मैं दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये सामने जो एलंकी दिख रहा है आपको 6 कलंकी लगता है, यही आपको फ्यूजल प्लग होता है। वो कभी भी दोस्तों आपका मेल्ट हो जाएगा तो आपका ही लोहे पे गिर जाएगा और आपको प्रेशर नहीं बना पाएगा जो फ्लूट होता है वो, और आपका आउटपुट कभी भी नहीं घूमेगा। जब भी आपको फ्यूजल प्लग मेल्ट होगा तो उस कंडीशन में उसको आप लोग को नया रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी देखिए, हम लोगों ने अच्छे से कवर में भी एना बोल्ट लगा दिया है। अभी इसका अच्छे से हम लोग फिर से बाक्सअप कर देंगे और अच्छे से बोल्ट को बराबर 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 से टाइट कर देंगे। कभी भी दोस्तों इस टाइप का जो भी हमारा फ्लांच होता है या कवर होता है उसको एक ही बोल्ट को फाइनली हम लोग को टाइट नहीं करना चाहिए, उससे आपको बाकी बोल्ट टाइट नहीं हो पाता। पहले बराबर बराबर से सही बोल्ट को आप चाल मिला लीजिए, उसके बाद में मिला मिला करके करके ही हम लोग को बोल्ट का टाइटनेस करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को स्कूप कपलिंग का स्कूप से रिलेटेड जो हमारा अभी जो मैं डिटेल आप लोग सामने शेयर किया हूँ वो समझ में आ गया होगा। आगे आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।